देखिए गाइस, यहाँ पे शुरू होते से यहाँ पे हमें पैरेलल रेस देखने को मिल गई। इससे अच्छा और क्या हो सकता है, गजब। यहाँ पे मालगाड़ी और फ्रेट ट्रेन दोनों मतलब मुझे एक ट्रेन और दिख रही पीछे जो इसमें हिट कर रही, और यहाँ पे हिट कर दिया बहुत ही पीछे, यहाँ पे जबरदस्त हिट किया, एक के बाद एक यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे। मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आज ये मेरे ऊपर चढ़ के होना, चाहे जान दे देंगे, लेकिन इसके पटरी पे से हम नहीं हटने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ट्रेनों का अराइवल हो रहा है, और हम इन्हीं ट्रेनों के साथ में अराइवल को लेके साथ में रेस करवाएंगे। मतलब कि साथ में अराइवल हुआ है तो साथ में डिपार्चर भी हुआ है इनका, तो इसी चीज का हम फायदा उठाएंगे और यहाँ पे दोनों ट्रेनों का रेस करवाएंगे। यहाँ पे जल्दी से आते हैं, इस वाले ट्रैक है उसको चेंज कर देते हैं, और ये जो सामने से ट्रेन आ रही है इसको निकल जाने देंगे, और उसके बाद उसका भी ट्रैक को चेंज कर देंगे। जल्दी से यहाँ पे ट्रैक चेंज कर देते हैं ताकि महामाना एक्सप्रेस जो खड़ी थी हमारे राइट साइड में जिसने अराइवल लिया था वो सेंटर वाले ट्रैक पे आ जाए। यहाँ पे ये वाली जैसे ही उत्कृष्ट कोच वाली ट्रेन निकलेगी तो हम यहाँ पे उसका अराइवल ले लेंगे, मतलब उसका ट्रैक चेंज करवा के मिडिल वाले पे लेके आएंगे महामाना एक्सप्रेस को। लेकिन उससे पहले हमें इसको निकल जाने देना हुआ। ओके, तो फाइनली ये निकल गई, इसका भी ट्रैक जल्दी से हम चेंज कर देते हैं क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और दोनों ट्रेनें निकलने वाली हैं, इसलिए जल्दी हमें ये करना होगा। तो यहाँ पे मुझे हॉर्न की आवाज़ आ रही है, आई थिंक दोनों ने अपना अपना हॉर्न बजा दिया, दोनों निकलने के लिए रेडी हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी निकल रही है। ओके, तो महामाना एक्सप्रेस ने तो सिग्नल को क्रॉस कर दिया, लेकिन यहाँ पे मालगाड़ी का कंफर्म कर लेते हैं एक बार निकली या नहीं। अगर नहीं निकली होगी तो ओके, तो फाइनली हमारी दोनों ट्रेनों ने पार्सल ले लिया है गाइज। यहाँ पे हम इसमें बैठ जाएंगे जल्दी जाके और रेस को इंजॉय करेंगे क्योंकि बहुत ही धमाकेदार रेस होने वाली है गाइज। इसलिए इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक ठोक दीजिए। यहाँ पे ये देखिए क्या व्यू आ रहा है, शानदार गाइज, बिल्कुल रियल व्यू है देखने में लग रहा है। और यहाँ पे देखते हैं कौन सी ट्रेन जीतेगी। मेरे हिसाब से मैं बता दूं कि मेरे हिसाब से तो मालगाड़ी जीत जाएगी जो फ्रेट ट्रेन है, बिकॉज ऑफ वो अपने पर्सनल ट्रैक पे है और मेरी वाली जो है वो मिडिल वाले ट्रैक पे आई है। मिडिल वाले जब भी हम ट्रैक पे किसी ट्रेन को लाते हैं तो वो स्पीड कम करके चलाती है, ऐसा इस गेम में होता है। तो यहाँ पे मालगाड़ी के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन गई कहाँ पे ये मालगाड़ी, बहुत पीछे हो गई। एक बार पीछे चल के देखते हैं कहाँ गई। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए मालगाड़ी ने फ्रेट ट्रेन ने हमें पीछे करना शुरू कर दिया, लेकिन ये व्यू देखिए, ब्रिज के नीचे दोनों टक्कर की रेस देके एक दूसरे को जीतने की कोशिश कर रही है, लेकिन फ्रेट ट्रेन ने स्पीड पकड़ के हमें कर दिया। मैं सेटिंग व्यू में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस, ओ भाई साहब, जिसका डर था वही हुआ क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी वो मिडिल वाले ट्रैक पे आ गई थी, और मिडिल वाले ट्रैक पे सामने से ट्रेन आती हैं और सामने से पक्के में कोई ना कोई ट्रेन आई होगी और उसमें एक्सीडेंट हो गया, तो वो तो हमारा गेम लैग कर गया था, इसलिए मैंने ये दूसरा गेम चालू किया। तो यहाँ पे उत्कृष्ट कोच वाली ट्रेन का अराइवल हुआ है, तो आज हम इसके साथ भी स्कैम कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्कैम ही स्कैम करेंगे आज पूरी ट्रेनों के साथ, हम किसी भी ट्रेन को ढंग से यहाँ पे चलने देंगे नहीं हम, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रेन आ रही है, इसके आगे हम कार ले जाएंगे और यहाँ पे स्पीड कम कर देते हैं कार की, और यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ये ट्रेन आई और यहाँ पे टक्कर होगी, क्या ये हमारी कार को ले जाएगी? ओके, तो यहाँ नहीं जी, नहीं गाइस, ये हमारी कार को नहीं ले जा पाई, और पीछे का जो लोकोमोटिव था उसका पूरा मेंटेनेंस बिगड़ गया और वो हमारे कार के ऊपर चढ़ गई, तो यहाँ पे पूरी ट्रेन हो गई। एक काम करते हैं, अब इसे डीकपल करके भी देख लेते हैं। अबे नहीं यार, नीचे नहीं उतरना था मुझे, अब ऊपर कैसे चढ़ेंगे हम? इसमें सेटिंग कर जाता हूँ और एक बार फिर से उतर के देखते हैं, हो सकता है स्टेशन पे। ओके, फाइनली हम स्टेशन पे वापस आ चुके हैं, इसे डीकपल करके देखते हैं, हो सकता है ये ताकत लगा दे अपनी और कार को हटाए। नहीं, ये कार को अभी भी नहीं हटा पा रहा। तो यहाँ पे हमारी कार निकली यहाँ पे दमदार, और आज हमारी कार ने ये रेस को जीत लिया है। तो यहाँ पे चलते हैं, अब आगे चलते हैं क्योंकि यहाँ पे पूरी एक्सीडेंट ने इस वाले जो ट्रैक है इस वाले को ब्लॉक करके रख दिया, अब यहाँ से कोई ट्रेन नहीं आ पाई। लेकिन आई सी ए ब्लू कोच वाली ट्रेन यहाँ पे सुपर फास्ट स्पीड में यहाँ से क्रॉस कर रही है। प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा है? मेरे हिसाब से प्लेटफॉर्म नंबर 4 से क्रॉस करके निकली है और सुपर फास्ट स्पीड में यहाँ से ये निकली है। देखने में मजा आ गया, लेकिन यहाँ पे कोई तो खड़ी है आई सी एफ कोच वाली ट्रेन, इसके साथ स्कैम करना तो बनता है, इसको हम वापस ढंग से नहीं जाने देंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं स्टेशन पूरा का पूरा खाली डला हुआ है, अभी दूर दूर तक मुझे कोई ट्रेन नहीं दिख रही स्कैम करने के लिए, तो चलो इसी के साथ स्कैम करते हैं। हॉर्न बजा दिया इस वाली ट्रेन ने, यहाँ से डिपार्चर ले रही है, इसे डीकपल करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो मेरे डीकपल ने वर्क करना बंद कर दिया है क्योंकि थोड़ी
देर बाद ये बंद कर देता है डीकपल वर्क करना। तो यहाँ पे चलते हैं उस तरफ चलेंगे अब हम, क्योंकि ऊपर चढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो अब हम चलते हैं और यहाँ पे जो ओवर ब्रिज है, ओवर ब्रिज के ऊपर चलते हैं और उस तरफ से हम देखते हैं कोई ट्रेन आ रही है या नहीं। ऊपर से व्यू देखेंगे ट्रेन का और उस पर जंप करेंगे। अब आएगा ना थोड़ा मजा जंप करने में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन गाइज यहाँ पे कोई ट्रेन आए उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज के साउट आउट की। आज का पहला साउट आउट जाता है जून गेमर को। इन्होंने बोला है भाई मैं 8 साल का हूँ, प्लीज साउट आउट दे दो। तो छोटे भाई आप कैसे, आप कमेंट में जरूर बताइए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट साउट आउट की ओर। तो नेक्स्ट साउट आउट जाता है हमारा मोटो से बेचार। सॉरी भाई मैं मतलब समझ नहीं पा रहा ये लिखा क्या हुआ है आपका नेम, लेकिन जो भी हो मैं आपने लिखा है कि भाई आई एम नो 9 मंथ ओल्ड सब्सक्राइबर एंड भाई आप बिलासपुर कब आएंगे एंड गिव मी साउट आउट। मैं अभी तक बिलासपुर छत्तीसगढ़ नहीं आया, लेकिन जब भी बिलासपुर आऊंगा तो मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे पोस्ट जरूर डालूंगा। मेरे एक सब्सक्राइबर और हैं जिनका नाम दाई स्टार है, तो वो भी शायद से मेरे हिसाब से बिलासपुर के ही हैं। तो अगर आपने एक दूसरे की कमेंट देखी तो आप बातचीत कर सकते हैं। बढ़ते हमारे तीसरे साउट आउट की ओर। आज का तीसरा साउट आउट जाता है गर्व गेमिंग को। इन्होंने बोला भाई प्लीज साउट आउट दे दो, मैं आपकी हर वीडियो लाइक करता हूं। तो मेरी वीडियो लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस अगर आप लोग भी आपकी कमेंट पर साउट आउट चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को पूरा देखिए, देखा करिए एंड तक, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। मैं आपको 110% साउट आउट दूंगा। तो बढ़ते हमारी वीडियो की ओर। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से कोई ट्रेन आ चुकी है जो कि मुझे लोकोमोटिव दिख रहा है, लेकिन नहीं यार हम ज्यादा ही पीछे आ गए और यहाँ पे जंप कर गए। लेकिन अब यहाँ पे आई है इसके साथ स्कैम, इसके साथ भी करना पड़ेगा। तो जल्दी से सिग्नल पर चलते हैं हम, और यहाँ पे सिग्नल रेड हो रखा है इसे जल्दी से ग्रीन कर देंगे और आगे बढ़ते हैं। हॉर्न बजा दिया पीछे वाली ट्रेन ने और यहाँ पे जाके इसके ट्रैक को भी चेंज करेंगे। लेकिन पहले हम पीछे मुड़ के देख लेते हैं कि अभी कितनी दूर है वो। अगर ज्यादा दूर होगी तो हम आगे जाके भी ट्रैक को चेंज करेंगे और मिडिल वाले ट्रैक पे लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे देखते हैं, ओ भाई साहब यहीं पे आ गई, जल्दी से ट्रैक को चेंज कर देते हैं। और लोकोमोटिव का हो गया यहाँ पे कबाड़ा, हमने इसकी टांग पकड़ के खींच ली। जब भी मैं डीकपल करता हूँ, सॉरी जब भी मैं ट्रैक चेंज करता हूँ और जब ट्रेन लड़खड़ा जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ट्रेन की टांग पकड़ के खींच दिया और वो बुरी तरीके से लड़खड़ा गई। तो यहाँ पे ये ट्रेन भी लड़खड़ा गई, इसका भी होगा बाड़ा। लेकिन यहाँ पे सामने से कोई ट्रेन आ रही है, लेकिन हम हटने वाले नहीं है, हम हैं एनमैन गेमिंग। चाहे आज ये हमारे ऊपर से ही क्यों निकल जाए, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ओ भाई अरे सच में हमारे ऊपर चढ़ने वाली, ओ क्या गजब तरीके से मुड़ गया यार, हमें लगा ये हमारे ऊपर चढ़ जाएगी, लेकिन इसने ट्रैक चेंज कर लिया। फाइनली हम तो नहीं डरे, लेकिन हमारी ये ट्रेन डर गई हमसे। चलो अब इसकी भी टांग पकड़ के खींचते हैं। यहाँ पे टांग पकड़ने से मेरा मतलब है अब इसका भी ट्रैक को चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे हमने इसकी टांग पकड़ के खींच दिया है और इसका भी कबाड़ा हो गया, ये भी ट्रेन लड़खड़ा गई पूरी तरीके से। तो यहाँ पे दोनों येल्लो कोच को हमने यहाँ पे लड़खड़ा दिया, मतलब टांग पकड़ कर खींच दी है। अब आगे चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारा जो एक्सीडेंट हुआ था, हमारी जो कार का एक्सीडेंट हुआ था उसका क्या सीन है, क्या वो वहाँ से निकली या नहीं। यहाँ पे अभी भी नहीं निकली बेचारी, यहाँ पे अभी भी यहाँ पे लोकोमोटिव के आगे फंसी हुई है, मतलब जी जान के लोकोमोटिव को रोक के रखी हुई है। लेकिन यहाँ पे एक्सीडेंट होने वाला है गाइस, ये देखिए ये ट्रेन जा रही है और सामने से एक ट्रेन खड़ी है और ये टकरा गई। अच्छा एक्सीडेंट था, देखने लायक था, मतलब इतना भी कुछ खास था नहीं, बहुत ही स्लो एक्सीडेंट हुआ। और यहाँ पे एक ट्रेन और आ गई आईसीएफ ब्लू कोच वाली, इसके पीछे वाले कोच गायब हुआ इस लोकोमोटिव के, क्योंकि हमने डीकपल कर दिए थे। और यहाँ पे बेचारे ये तो दोनों की लड़ाई चल रही है कि मैं नहीं हटूंगा, लोकोमोटिव और कार दोनों लड़ने लगे हैं। लेकिन यहाँ पे भी देखिए मैंने यहाँ पे इसकी टांग पकड़ के खींचा था, ये वाली ट्रेन के पीछे भी आके एक कोई सी ट्रेन ने इसमें धक्का दे दिया। बताओ कुछ भी चल रहा है, मतलब एक दूसरे में लगे हैं ये धक्का पे धक्का देने, मतलब एक दूसरे को लगे ही हैं जोर जोर से। और यहाँ पे दोनों लगे हैं ब्लू कोच वाले, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे पीछे कोई ट्रेन आती हुई दिख रही है जो अब इसमें हिट करने वाली है। ये देखिए गाइस बहुत दूर है वो, शायद आपको वीडियो में ना दिख रही हो, लेकिन वो आने वाली है और इसमें हिट करने वाली है। कुछ ही टाइम में वो हिट करेगी। और यहाँ पे ये देखिए बूम, ये एक और एक्सीडेंट हमें देखने को मिला। तो आज की वीडियो में गाइज हमने भर भर के एक्सीडेंट देखे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।